अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार कैसे हो? पहले सबसे पहले तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है ठीक ही होगे। कल का सीन कुछ यूँ हुआ था कि कल मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगा, तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब है तो उस चक्कर के अंदर बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। तो कल जब हम जा रहे थे यानी आ रहे थे वापस, हमने फिर बोले कि यार राउंड राउंड पर चलते हैं दोस्तों। उसने राउंड राउंड हम गए तो लास्ट शॉट जो आप लोगों ने देखा होगा पुलिस वाला, उसके अंदर दरअसल ये हुआ कि पुलिस वाले ने देख लिया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने आगे जाकर हमें रोका, उसने बोला मोबाइल दिखा तूने क्या बनाया। तो उसने वीडियोस डिलीट करवाए, बड़ी मुश्किलों से मुझे वापस शॉट्स मिले, लेकिन कुछ शॉट्स आए नहीं, रिस्टोर ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। तो जो आ गए वो मैंने कल अपलोड कर दिए थे। तो इंशाल्लाह आज के ब्लॉग का सीन ये है कि मुझे करनी है बहुत सारी बातें, और अभी तो फिलहाल आगे का कुछ भी नहीं पता, क्या करना है कहाँ जाना है, तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे पता चलेगा। जैसे कि अभी मेरे दोस्त की कॉल आई कि यार मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वो आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया है हमारा। तो मैंने सोचा यार एडमिट कार्ड क्यों आया, पेपर तो पास कर दिए सेकेंड ईयर के। तो बोला यार वो एडमिट कार्ड दे दिए, फिर बोले 20 या फिर अल्लाह आपका भला करे 21-22 को आपको मार्कशीट मिल जाएगी। तो मैंने सोचा पेपर तो नहीं होंगे, बोला नहीं नहीं पेपर वेपर नहीं होंगे, सब क्लियर है, कोई मसले वाली बात नहीं, जाओ जाकर उठा ले जाओ। तो अभी कॉलेज जा रहे हैं, पहले तैयारी बहुत बुरा सा हो रहा है, पहले हम सैलून जाएंगे, डायरेक्ट वहीं से कॉलेज जाएंगे, तो देखो और आगे क्या होता है। फाइनली लंबे चौड़े डिस्कस के बाद सर से भाई हो गए पास सेकेंड ईयर के लिए। अब बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, कॉलेज का सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम कॉलेज से जा रहे हैं, तो देखो आगे क्या होता है और क्या काम है, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब तो खैर घर जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या सीन है। फाइनली के घर तो वापस आ गए, अभी हमारी कंपनी सबकी बिल्डिंग है, तो आगे देखो क्या होता है, यही बोल सकता हूँ, क्या बोलूँ अभी मुझे कुछ पता ही नहीं है। अभी मैंने एक दोस्त को कॉल करी, उसने बोला आता हूँ, उसके साथ जाएंगे कहीं ना कहीं राउंड राउंड करके, पर अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है और अभी ऊपर चलते हैं, कुछ बातें और करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन आगे। अल्लाह बात ये थी कि इतने टाइम से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, और मुझे कुछ दोस्तों ने भी बोला तो ब्लॉग नहीं डाल रहा, वापस शुरू कर हम आ गए वापस। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन लग गया, जीना आराम कर दिया था इसने सबका लॉकडाउन ने, और फिर ये एक मज़े की बात टिकटॉक बैन हो गया है, अब देखो क्या करते हैं। यार बात मैं क्या कहूँ, टिकटॉक उन्होंने बैन नहीं करना था, उस प्लेटफॉर्म को उन लोगों ने गलत बैन किया है। आप भाई उस प्लेटफॉर्म पर गलत लोग हैं, आप उन लोगों की आइडिया फ्रीज करवाओ, आप उन लोगों की आइडिया को वो बंद करवाओ, उनकी आइडिया बैन करवाओ, उन लोगों को बैन करवाओ, उस प्लेटफॉर्म को बैन नहीं करो। तो इस बात से सभी को यही है कि यार जो टैलेंटेड लोग थे, अब लोग बोल रहे हैं टैलेंटेड लोग कहाँ हैं, जैसे डक्की भाई हो गया और बहुत से लोग हो गए जो रोस्ट करते हैं टिकटॉक को, तो बोलते हैं क्रिंच, क्या है हर जगह क्रिंच है यार। तो अब ये लोग उठाते भी ऐसे लोग हो गए, एलेक्स भट्टी हो गया, हाल देखो उसका, बड़े बड़े बाल इसने किए हुए, सब कुछ इसने किया हुआ, वो इंडिया की दो चार वीडियो उठा ली,
ये लोग ये हरकतें करके टिकटॉक को ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं। मैं ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही टिकटॉक का साथ दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन गलत है। इन लोगों को ये नहीं करना था, गलत है, सीधी बात है। बहुत से लोग थे टैलेंटेड, जैसे कि मैं ट्रांजिशन बनाता था, जाके मेरी वीडियोस तो खैर अब नहीं देख सकते। हाँ, जो वीपीएन लगा के यूज़ कर रहा है वो करके देखो जाके मेरी, अगर कोई भी एक अजीब सी कोई, ये लोग बोलते हैं ना मुजरे वाली एक भी वीडियो मिल जाए मेरी, फिर मुझे बोलना तुम लोग आके, ये गलत है। और बहुत से लोग हैं यार, जैसे मेरे ही अपने दोस्त हैं, खान साहब हैं और बहुत से हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ट्रांजिशन बना रहे हैं, वो हो गया एम जे हसन हो गया, ये लोग तो नहीं बना रहे कोई मुजरे वाली, बहुत से थे तो उन लोगों ने गलत किया टिकटॉक को बैन करके। अब ये लोग कह रहे हैं बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, भाई बेरोजगार कोई नहीं हुआ है, सब ने अपना फेम समेट के इंस्टाग्राम पे लिया है, अब हर जगह लिया है, स्नैपचैट है, हर चीज़ है, हर कोई हर चीज़ यूज़ कर रहा है, ये गलत किया इन लोगों ने। और जैसे कि बहुत टाइम से मैं बोलना चाह रहा था कि मैंने अभी एक जगह एडमिशन लिया है, मीडिया साइंस का मैं कोर्स कर रहा हूँ अरीना मल्टीमीडिया, तो दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कि अरीना मल्टीमीडिया क्या है, क्या होता है वहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे वहाँ पे, अभी तो नहीं है, कल मेरी क्लास है MWF, मंडे वेनेसडे फ्राइडे, तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ मैं कल भी व्लॉग डालूँ और आज भी व्लॉग। आज का व्लॉग छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, हो सकेगा क्या मैं लंबा कर दूँ, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई अभी यानी बस डेली लाइफ की मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्या लाइफ चल रही है, डेली कैसे उठ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, बस अभी तो यही। अभी कोई जैसे इतना एक प्योर कंटेंट वो नहीं है अभी, इंशाल्लाह वो भी डालेंगे, चलते हैं फिर आगे क्या सीन होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था कि मैं कॉलेज से आया था और मार्कशीट लेकर आया था, खैर मुझे तो इतनी खैर खुशी नहीं हुई, तो जितनी खुशी मेरे घर वालों को हुई कि हाँ भाई लौंडा पास हो गया, तो मुझे अभी पता चला कि मेरे पीठ पीछे से कुछ और ही चल रहा है। तो अभी मैं घर आया तो देखो क्या मिला मुझे, कि भाई सप्लीमेंट मिल गया मुझे, जिम जा रहे हैं यार लौंडे, जिम जा रहे हैं, तो सप्लीमेंट दिया है कि ये लो ले गए, दिया तो दिया क्यों, मैं सोचूं दिया तो दिया क्यों। ये खैर आया था किसी के पास से, बोला था कि इसकी एक्सपायरी करीब है, तो हम तो यूज़ नहीं कर रहे, हमने जिम में छोड़ दिया, तो ये आप रख लो और सील है, खुला हुआ भी नहीं है, तो इसकी एक्सपायरी है इसी मंथ में ही है, इस मंथ के लास्ट में। तो मैं और मेरा बड़ा भाई तो खैर जब तक तो ख़त्म कर चुके होंगे, छोटा सा ही है, जब तक तो ख़त्म हो जा रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बड़ा वाला पड़ा हुआ है, खैर है मुफ्ता आने दो, टेंशन ही नहीं है, आने दो मुफ्ते को। कुछ देर बाद इसका बेड़ा गर्क करने के बाद खुल गया, बस क्या सही है, गुड हो गया जी, गुड हो गया यार। एक मसला हो गया, खतरनाक मसला हो गया भाई, ये आ तो गया सही है इसकी, इसको मैंने खोल भी लिया, इसको मैंने चेक भी कर लिया, इसकी स्मेल भी अच्छी है, सब कुछ है, पर एक मसला और है, यूज़ कैसे करना है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, आ तो गया पर यूज कैसे करें इसे। हाँ, इसको लेके जाते हैं अपने जिम, वहां जाके हम पूछते हैं अपने ट्रेनर से कि भाई काहे करें, देखो इसके पीछे लिखा हुआ तो है कि एग्स को यूज करो 16/32 OTZ वाटर में, ठीक है, समझ में आया, तो स्कोप तो समझ आ गया कि भाई तुम वाला एग्स को
लो और यूज़ कर लो, पर किस में, कौन से पानी में, ठंडे पानी में, गर्म पानी में? मैंने आज तक यूज़ तो किया नहीं है। अच्छा, दो स्कोप भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं वन और टू स्कोप्स। अच्छा, ये तो लिखा हुआ है पीछे के एक्सरसाइज के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर आप ये पी लो, सही है, पर किस में, ठंडे पानी में किस में? हमको ये मालूम करना है यार, हम गड़बड़ा गए। ऐसे तो नहीं होता ना, कैलोरीज दे रहा है ये 120, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है 30 ग्राम, शुगर 29 ग्राम, कैल्शियम 30 ग्राम, सोडियम 5 ग्राम पर स्कोप, एक स्कोप सप्लीमेंट पैक, सही है 104 धर्म का, 104 धर्म दिखते हैं, दिख नहीं रहे, नहीं दिख रहे, 104 धर्म का। तो चलो चलते हैं नसर के पास और पूछते हैं क्या सीन है। सीन ही हुआ था कि अभी जैसे देखा, वापस मैंने रोड की वीडियो डाली, तो ये था कि हम लोग गए थे शार फैसल किसी काम से, मेरे काम से गए थे हम लोग दोस्त ना। तो हुआ ये कि हम शार फैसल पे तकरीबन डेढ़ घंटा हम घूमे, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था मैं उस जगह ही भूल गया जाना का है। कभी कहीं घूमूँ, कभी एम्बेसी होटल जाऊँ, कभी कहीं जाऊँ, बुरा हाल हो गया था। तो अभी आया हूँ घर पर, 3 बज रहे हैं, तो अब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, कोशिश है मेरी कल भी मैं व्लॉग बनाऊं। कल मैं कोशिश करूंगा अरीना दिखाऊं आप लोगों को, कि अगर अरीना से इजाज़त मिल गई कि हाँ आप बना लो वीडियो यहाँ पे, तो इंशाल्लाह अरीना दिखाएंगे हम आपको। और अरीना जाऊंगा कैसे, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, ये तो मैं दिखाऊंगा। रहा कैसे रहूँ, हम कहाँ बैठ रहे हैं, हम दोस्त कुछ बैठते हैं। और मज़े की बात ये है कि जद्दा से मेरा दोस्त आया है, तो इंशाल्लाह उससे भी कल आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो भी मेरे साथ अरीना के अंदर पढ़ रहा है। तो देखो कल क्या होता है, और मेक श्योर यार लाइक करो, कमेंट्स तो करो, ना लाइक करो ना कुछ करो, सिर्फ व्यूज़ आते हैं, लाइक नहीं करते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते के अंदर मैं 3 या 2 व्लॉग डालूँ ही डालूँ इंशाल्लाह। अब आपके साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।